न्यूज सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। बकाया 4000 मांगने पर जान का दुश्मन बना दोस्त, चाकू मार कर ले ली जान। पुलिस ने मृतक को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। उधर क्राइम ब्रांच ने गुप्त सूचना मिलने के आधार पर आरोपी को काबू कर लिया। हरियाणा के फरीदाबाद में पैसों के लेन देन को लेकर हुए विवाद में दोस्त ने दोस्त की चाकू मार कर हत्या कर दी। घटना इंदिरा नगर की है, जहाँ बीती रात बकाया 4000 रुपए मांगने पर आरोपी राजू ने अपने दोस्त अविनाश उर्फ बंटी की चाकू मार कर हत्या कर दी। इधर किसी ने 112 पर पुलिस को घटना के संबंध में सूचना दी। सूचना पाकर डीसीपी क्राइम नरेंद्र कादियान, एसपी सिटी बल्लभगढ़ मनीष सहलग, थाना प्रबंधक विदेंद्र, चौकी प्रभारी सहित एफएसएल की टीम व क्राइम ब्रांच डीएलएफ उंचवाला सेंटर घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। मृतक के भाई सुभाष की शिकायत पर थाना सेक्टर 8 में हत्या की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस प्रवक्ता सुबेश सिन्हा ने बताया कि मृतक का नाम अविनाश उर्फ बंटी है, जिसकी उम्र करीब 20 साल है। अविनाश आजाद नगर झुग्गी का रहने वाला है। उसकी हत्या इंदिरा नगर के रहने वाले उसके दोस्त 23 वर्षीय राजू ने की है, जो मूलत इलाहाबाद का रहने वाला है। आजाद नगर झुग्गी और इंदिरा नगर पास पास में ही है। मृतक पहले मसाले बेचने का काम करता था, परंतु ज्यादा कमाई ना होने की वजह से बाद में वह कंपनी में ठेकेदारी पर नौकरी करने लगा। वही आरोपी राजू मजदूरी करता था। पुलिस थाना सेक्टर 8 में मृतक के भाई सुभाष ने दी अपनी शिकायत में बताया कि अविनाश को आरोपी राजू से मसाले के करीब 4000 रुपए देने थे। बार बार कहने के बाद भी आरोपी उसे पैसे नहीं दे रहा था, इसलिए दोनों भाई आरोपी से पैसे लेने के लिए गए थे। पैसे मांगने पर उनसे झगड़ा हो गया, जिसके पश्चात वह एक दूसरे को लात घूंसे मारने लगे। दोनों लड़ते लड़ते बाहर गली में आ गए, जहां राजू ने अविनाश पर चाकू से कई वार किए, जिसकी वजह से अविनाश की मौके पर ही मौत हो गई। शोर सुनकर वहां पर भीड़ एकत्रित हो गई। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस की ईवार भी 200 भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। उधर क्राइम ब्रांच ने गुप्त सूचना मिलने के आधार पर आरोपी को काबू कर लिया। पुलिस ने मृतक को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। उधर क्राइम ब्रांच ने गुप्त सूत्रों से मिली सूचना के आधार पर आरोपी को काबू कर लिया। हरियाणा के फरीदाबाद में पैसों के लेन देन को लेकर हुए विवाद में दोस्त ने दोस्त की चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना इंदिरा नगर की है, जहां बीती रात बकाया 4000 मांगने पर आरोपी राजू ने अपने दोस्त अविनाश उर्फ बंटी की चाकू मारकर हत्या कर दी। इधर किसी ने डायल 112 पर पुलिस को घटना के संबंध में सूचना दी। सूचना पाकर डीसीपी क्राइम नरेंद्र कादियान, एसीपी सिटी बल्लभगढ़ मनीष सहगल, थाना प्रबंधक विजेंद्र, चौकी प्रभारी सहित एफएसएल की टीम व क्राइम ब्रांच डीएफएल मुचागांव सेंट्रल घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। मृतक के भाई सुभाष की शिकायत पर थाना सेक्टर 8 में हत्या की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस प्रवक्ता सुबेश सिंह ने बताया कि मृतक का नाम अविनाश उर्फ बंटी है, जिसकी उम्र करीब 20 साल है। अविनाश आजाद नगर झुग्गी का रहने वाला है। की हत्या इंदिरा नगर के रहने वाले उसके दोस्त 23 वर्षीय राजू ने की है, जो मूलतः इलाहाबाद का रहने वाला है। आजाद नगर झुग्गी और इंदिरा नगर पास पास ही है। मृतक पहले मसाले बेचने का काम करता था, परंतु ज्यादा कमाई न होने की वजह से बाद में वह एस्कॉर्ट कंपनी में ठेकेदारी पर नौकरी करने लगा। वही आरोपी राजू मजदूरी करता था। पुलिस थाना सेक्टर 8 में मृतक के भाई सुभाष ने दी अपनी शिकायत में बताया कि अविनाश को आरोपी राजू से मसाले के करीब 4000 रुपए लेने थे। बार बार कहने के बाद भी आरोपी उसे पैसे नहीं दे रहा था, इसीलिए दोनों भाई आरोपी से पैसे लेने के लिए गए थे। पैसे मांगने पर उनमें झगड़ा हो गया, जिसके पश्चात वह एक दूसरे को लात घूंसे मारने लगे। दोनों लड़ते लड़ते बाहर गली में आ गए,
जहां राजू ने अविनाश पर चाकू से कई वार किए, जिसकी वजह से अविनाश की मौके पर ही मौत हो गई। शोर सुनकर वहां पर भीड़ एकत्रित हो गई। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस की ERV 200 भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। उधर क्राइम ब्रांच ने गुप्त सूत्रों से मिली सूचना के आधार पर आरोपी को काबू कर लिया है। क्राइम ब्रांच द्वारा मामले में पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा लिंक ट्विटर हाईकुक फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे YouTube पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल दर्शकों वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।